सलाम मरहबा, मैं हूं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। आज की जो वीडियो है ये मैं इसको सिर्फ वीडियो नहीं कहूंगा, ये एक खुशखबरी है हमारे लिए भी और पूरी तुर्की के लिए भी कि किजिल अलमा के जो PT-3 के नाम से प्रोटोटाइप था उसने पहली फ्लाइट ली है और बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि किजिल अलमा मेरा और अफीरा दोनों का फेवरेट है। और क्योंकि ये जो जेट है ये कुछ अलग ही चीज़ है जिसको देख के हमेशा हम लोग जो है ना सोच में पड़ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पर चली गई है। तो फौरन चलाते हैं और इस अनमैंड एयर जेट को फौरन देखते हैं कि इसकी पहली फ्लाइट कैसी हुई है, क्योंकि प्रोटोटाइप है, इसके टेस्ट हो रहे हैं, तो पहली फ्लाइट में किस तरह से इसने उड़ान भरी है, बहुत ही मजे की वीडियो है, फौरन चलाते हैं। 25 Eylül 2024 ओके, सितंबर 25th को। ओके 2024 Bayraktar Kızıl Elma Prototip 3 üretim prototipi bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. ये एक शॉर्ट फ्लाइट है, यानी कि बिल्कुल ही छोटी सी फ्लाइट होगी, लेकिन फिर भी देखना है कि इसने कैसे टेक ऑफ किया और कैसे लैंडिंग की, वो सबसे मेन चीज होती है। Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı sabahlar herkese. Look at him. क्या खूबसूरत चीज है, वैसे इसको देख के दिल खुश हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल चोक गुजैल। Going up, going up. Whoa! Amazing! What a sound! What a sound! मुझे sound बहुत मजे का लगा इसके उड़ने का। Oh! Nice! Amazing, amazing, amazing. Wow. Wow. Very nice. एक बार इसका दोबारा साउंड सुनते हैं, साउंड का ही मजा आया। म्यूजिक में थोड़ा ऑफ कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है म्यूजिक, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। वाओ, लैंडिंग लैंडिंग लैंडिंग। ओ लेट्स सी द लैंडिंग अगेन। वाओ, अच्छा जो टेक ऑफ और लैंडिंग है इसमें पता नहीं चला कि ये अनमैंड है, इतना एक्यूरेट लैंडिंग, इतनी एक्यूरेट टेक ऑफ भी, यानी कि लग ही नहीं रहा कि वो अनमैंड है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्मूथ कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। और ये कहीं से भी टेस्ट नहीं लग रहा है, लग रहा है कि ऐसे कि ये पहले से जहाज उड़ता है उसकी सिर्फ नुमाइश हो रही है, ये टेस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि टेस्ट में कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम आती है, कोई अनबैलेंस हो गया, कुछ हो गया, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट था, बहुत एक्यूरेट था। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। वाओ, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık, sağ olun, var olun. Once again, once again. Yüreğine sağlık. Thank you, Harvard. सबके लिए, इन सब के लिए क्लैपिंग, आप सब भी मेरे साथ इन सब के लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि यही वो टीम है किजिल अलमा की जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस शाहकार को तैयार किया है, तो इन सब के लिए क्लैपिंग होती है। बेस्ट ऑफ लक, वेरी नाइस। हाँ,
Kızıl elma. Yes. Wow. बहुत ही खुशी की न्यूज़ हमारे लिए. आपको मेरे फेस से लग रहा होगा कि मैं कितना खुश हूँ. और ये वाकई में एक टेक्नोलॉजी में बूस्ट है. किज़िल इल्मा एक अलग से एक बूस्ट है. किज़िल इल्मा एक पूरा चैप्टर है तुर्की टर्किश आर्मी का, जो कि इस टाइम जितने भी दुश्मन हैं, जितनी बुरी नज़र से तुर्की को देख रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है इस चीज़ की. क्योंकि किज़िल इल्मा एक ऐसा वाहिद अनमैन्ड फाइटर जेट है जो कि AI बेस्ड है और जो कि खुद भी लड़ सकता है बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के. तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही स्मूथ इसका एक जो है ये टेस्ट हुआ है. और हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ करते हैं कि जिसके आने वाले टेस्ट भी कामयाब होंगे और जो ये शाहकार है वो शाहकार बहुत जल्द हम सब विटनेस करेंगे और रिएक्शन वीडियोज़ की वजह से हम भी विटनेस करेंगे. और हमारी दुआएँ हमेशा तुर्की के साथ हैं और हमें पता है तुर्की की दुआएँ भी पाकिस्तान के साथ हैं. तो थैंक यू सो मच. जिन्होंने लिंक शेयर किया इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमें भी लाइक करते सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर किया करें. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ. अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा. अल्लाह हाफिज़.